नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा नगर निगम में, किसी जमाने की विधानसभा, लेकिन आज बात लोकसभा की। लोकसभा नई बन रही है दिल्ली में, उसका उद्घाटन 28 तारीख को होना है। तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज बात इसी को लेकर होगी कि जिस तरीके से 28 तारीख अब तय कर दिया गया है, नई लोकसभा का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसको लेकर 21 दलों ने जहां आपत्ति दर्ज कराई है, वहीं लगभग इतने ही दलों ने उसमें सहमति भी दर्ज कराई है। मैं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। ये बताइए, नई लोकसभा को लेकर विरोध क्यों? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा की स्थापना हुई, नया लोकसभा भवन बना और देश में संवैधानिक लोकतांत्रिक जो है, हमारा जो भारत देश है वो संवैधानिक लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र पर बहुत मजबूती से विश्वास करता है। और सबसे बड़ा गरिमामय पद जो है और देश की जो प्रथम नागरिक हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो जल और थल सेना की प्रमुख हैं और पूरे न्यायपालिका की प्रमुख हैं। हमारे इस देश की मंशा है, हमारे जो बड़े विपक्षी दल हैं उनकी ये मंशा है, सब संगठनों की मंशा है, समाजसेवी बुद्धिजीवियों की मंशा है कि उस लोकसभा भवन का उद्घाटन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अड़ियल रवैया है वो बेहद निंदनीय है। वैसे हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब उद्घाटन हो जाएगा तब तो प्रधानमंत्री जी को फिर रोज वहाँ बैठना है, कार्रवाई रोज पढ़ना है। योगेंद्र जी, जनता दल एस प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर से कहते हैं कि आप लोग का ये गलत फैसला। 2014 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आने के बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरोद्धव का काल शुरू हुआ है और उसी का परिणाम है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में हमारे नेता बैठते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय सवाल ये नहीं, सवाल केवल इतना सा है, भवन बन गया, 26 में नई परिसीमन होना है, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, उस भवन में काम नहीं बनता, इसलिए वो तो बनना ही था। अब उद्घाटन की बात करिए, भव्य उद्घाटन होने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आपने देखा है, माउंट बेटन से जिस छड़ी के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, जो हमारे सनातन कालीन चोल वंश से वो परंपरा इस देश में चली आ रही थी, उसे छुपाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। उसे ले जाकर एक म्यूजियम में रखने देने का पाप किया था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने वापस लाकर पुनः न्याय के समाज, न्याय के मंदिर में लोकसभा के अंदर पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यह कांग्रेस को पच नहीं रहा, ये कांग्रेस को पच नहीं रहा। कांग्रेस के पास भी जा रहा हूँ सीधे, बताइए आप लोग को तो पच ही नहीं रहा कुछ? हम लोग को सब पच रहा है, इनको इसलिए नहीं पच रहा है कि हम सबकी मांग ये है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति है, बड़ा पद है, तो उनसे उद्घाटन कराने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? मतलब प्रधानमंत्री जीते ही अपनी मूर्ति लगाना चाहते हैं? अरे राष्ट्रपति गर्म में पद है, देश की मांग है कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन कर लोकार्पण करें, तो इनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है क्या भाई? क्या सोचते हैं आप भाई? भाई हमारे हिसाब से इतना बड़ा गरिमा पर पद होत है राष्ट्रपति के, या संसद भवन मतलब शासकीय संपत्ति के रूप में जाना जाता है, न्यायपालिका के रूप में वहाँ जाना जाता है, तो एक महामहिम राष्ट्रपति से ही एक मतलब उद्घाटन करावा जाए, वह जायज है। राष्ट्रपति से उद्घाटन, प्रधानमंत्री से उद्घाटन, तमाम तरीके की बातचीत चल रही है, अब 28 फिक्स हो गया। प्रधानमंत्री जी एक दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, एक दल का जो नेता चुना जाएगा संसदों का वो प्रधानमंत्री होगा और वहाँ विभिन्न दलों के लोग बैठेंगे सदन के अंदर, कोई एक दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो इसलिए ये मांग जायज है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से उद्घाटन हो जाए। तो हम तो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये रवैया ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ही उद्घाटन करें, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन ना करें। क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए इस मसले में? अरे इस मसले में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय से लेकर चाहे ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी चल रही हो, हर जगह उसकी ओपनिंग करते हैं, ठीक जी ध्यान दीजिएगा, है ना, तो
अब इतना बड़ा भवन बना है उसका ये कैसे छोड़ सकते हैं वो, क्या कहेंगे? जिनके शौचालय सोने के हों, आए थे देश की राजनीति की दशा बदलने के लिए और उसमें संलिप्त हो गए और ऐसी संलिप्तता हुई कि सबके कारनामों को भी काला कर दिया। ऐसी पार्टी के लोग ऐसी ही बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी देश के नेता होते हैं और सदन के नेता हैं, इसलिए उनके द्वारा जो सदन बनाया जा रहा है उनसे ही लोकार्पण होना ही लोकार्पण हो। समाजवादी पार्टी यही चाहता है, समाजवादी पार्टी भी नहीं जा रही है, आप पुराने समाजवादी रहे हैं, इस पूरे मसले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये देश लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली पर चल रहा है और ये संविधान पर आधारित देश चलने वाला है। इसमें हम जिस भवन की आप बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं नए लोकसभा भवन का, वह एक इमारत है ईंटा पत्थर लोहे कंक्रीट का। वहाँ जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी, जब तक संवाद नहीं होंगे, जब तक चर्चा परचर्चा नहीं होगी, जब तक मूल भावना वहाँ नहीं निकलेगी लोकतंत्र की, तब तक उस भवन का कोई मतलब नहीं है, वो मिट्टी है, चाहे वो 9,000 करोड़ में ही भले ही बनाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश में और विपक्ष के लोगों को कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उसका उद्घाटन कराया जाए, जबकि शिलान्यास भी राष्ट्रपति से कराना चाहिए था तत्कालीन, लेकिन कोविंद जी से राम कोविंद जी से उस जमाने में भी नहीं कराया गया शिलान्यास, और आज उद्घाटन भी तो वो भी राष्ट्रपति दलित थे और ये आदिवासी दलित का मामला। शिव सिंह जी, दलित की बात हो रही है तो ये राष्ट्र एक संसद भवन एक इमारत का उद्घाटन अगर इस बात पर आकर टिक जाए कि वो दलित है राष्ट्रपति, इसलिए उद्घाटन नहीं होगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना ठीक है? देखिए कारण तो ये सब नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये आवाज़ जब उठी कि देश का जो प्रमुख है वो प्रमुख संवैधानिक प्रमुख वो राष्ट्रपति हैं, उनसे उद्घाटन होना चाहिए। जब आप नहीं करवा रहे हैं, उनको आपने न्योता तक नहीं दिया, तो ये तो सवाल उठेगा कि जब इसके पूर्व जो राष्ट्रपति थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो जब वो मंदिर गए तो मंदिर को धुलवाने का काम किया गया, अब जब मुर्मू जी को आपने राष्ट्रपति बनाया तो दलित आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो आप जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, आप दलित और गरीब तबके का जो हिंदू वर्ग है उसको आप हिंदू मानने का काम नहीं करते हैं, आपने उनको न्योता तक देने का नाम नहीं लिया, तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में दलितों के साथ जो है आपका आदिवासियों के साथ आपका बर्ताव सही नहीं है, भेदभाव है। क्या आपको भी लगता है कि भेदभाव कुछ दिखता है? भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बंटवारे के आधार पर वोट बैंक बनाने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर संवैधानिक संस्था राष्ट्रपति जी मान्य उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था, विवाद का कारण ही नहीं बनता, लेकिन बन गया। और देखिए अभी हमारे शिव सिंह जी कह रहे थे कि दलित हैं इसलिए नहीं, और ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि वो दलित ही हैं इसलिए उनको नहीं बुलाकर प्रधानमंत्री जी स्वयं जबरदस्ती फीता काटने दौड़े जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता अब ये कारण तो हो सकता है, संभव है, कारण वही है कि जब मंदिर जहाँ चले जाएं जो दलित समाज, अभी भी राष्ट्रपति चले जाएं वहाँ धुलवाया जाता है, तो ये तो इतना बड़ा हमारे लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है उसमें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई दलित उसका लोकार्पण। क्या लगता है के जी आपको? निश्चित तौर पर जब महामहिम से ये लोकार्पण नहीं करा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मनसा साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मनसा के पीछे RSS के मनसा है। RSS एक ऐसा दल है कि दलित और शोषित अत्याचारियों को जब ये पद में आते हैं तो ये अपने हाउस का दूध से गंगा जल से छिड़काव कराते हैं। तो ये इनकी भाषा देखिए कैसी है, एक दलित की महिला राष्ट्रपति बनी है, गर्व की बात तो भारत की है ना, तो और सबसे महत्वपूर्ण पद में है, तो लोकार्पण उनसे कराना चाहिए। दलित महिला वो भी राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च पद पर, लोकार्पण उन्हीं से होना चाहिए, तमाम ऐसे लोग। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि जब हम पूरा देश मानता है, ये सारा मीडिया जानता है, सारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि संवैधानिक पद जो है सर्वोच्च, जो प्रथम नागरिक जिसको कहा गया है, वो प्रधानमंत्री को नहीं कहा गया है, प्रथम नागरिक एक देश का वो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। और राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखने के लिए इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए थी। इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, युवाओं से भी बातचीत हो जाए, क्या लगता है? मेरी जहाँ तक मानना है, क्योंकि मैं किसी दल विशेष में हूँ नहीं, एक युवा के नाते मैं बात कर रहा हूँ, जितने बड़े राशि में 9000 करोड़ की राशि में ये संसद भवन बनने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उस राशि में न जाने कितने लोग को रोजगार भी मिल सकता था। उस वो भवन जरूरी था, समय की मांग थी। और अगर भवन जरूरी था तो इस देश में भाजपा भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है, हर दल के लोग मानते हैं कि यत्र नारिस्तु पूजित रमंदे तत्र देवता, यह बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस जगह पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर निवास करता है। तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता था जो उद्घाटन करे। बहरहाल अगर प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि उनको खुद उस दिन राष्ट्रपति जी को अपने साथ ले जाना चाहिए और कहना चाहिए हम नहीं, आप करिए उद्घाटन। राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए, ये तमाम लोगों से, मैंने सारे पार्टी के लोगों से, आज रीवा शहर के तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, सबका साफ तौर से कहना कि राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि अभी 28 तारीख आने में वक्त है, देखिए 28 तारीख को क्या होगा, जो भी होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।